ओम शांति। नमस्कार जी, मैं गर्व सिंह निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उतन के पावर ऑफ कुआं नंबर, उतन व्हाट इज कुआं नंबर, कुआं नंबर आखिर होता क्या है, अरे हमारे लाइफ में हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है कुआं नंबर, उसे हम एंजल नंबर भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे एंजल और कुआं नंबर दोनों के बारे में कि आखिर इसे कैसे निकालते हैं और आपका एंजल नंबर क्या है या आपका कुआं नंबर क्या है, अरे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको कैसे इफेक्ट दिखाता है। तो आज वीडियो में बने रहेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कुआ नंबर, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लाइफ को रोल प्ले करता है। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप सभी इस न्यूमरोलॉजी के साइंस को सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइंस विद्या ऐसा है ना कि मैंने अपने इतने सालों को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको मैं बहुत ही सुंदर तरीके से एक निचोड़ रूप में लाया हूँ, ताकि आप बहुत इजी वे में समझ सकें और आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो कहेंगे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन कर सकेंगे और उसके बारे में बता सकते हैं, या आप इसे प्रोफेशनल बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो अपने हेल्थ, परिवार, फैमिली, लोगों को भी मदद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर साइंस है अंक ज्योतिष। तो आप सभी का स्वागत है, आप जो भी इंटरेस्टेड हैं आप डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से। अगर वन टू वन कंसल्टेंसी भी अगर आप चाहते हैं, आप अपने लाइफ में मिसिंग नंबर के रेमेडीज करना, अपने नेम को बैलेंस करना, इवन जो आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर कैसा होना चाहिए जो आपके लाइफ में मेजर इफेक्ट दे जाए, जो जीवन में आपको लक, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी बुलाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करने वाले हैं नंबर कुआं नंबर। सबसे पहले आप क्या एक काम करें कि आप एक अपना नाम को पहले लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक कागज कलम लेके बैठे और ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी वे में आप समझिएगा। कुआ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका साल है उस ईयर को लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक साल में लेता हूँ, किसी व्यक्ति का जन्म की तारीख है 84। अब 84 के जब करते हैं ना तो उसके देखिए बर्थ ईयर जो होता है उसको पूरा टोटल करना, जैसे 1984 जो आप दिख रहे हैं उसको कैसे करना, 1 + 9 + 8 + 4 टोटल करते हैं तो 22 आता। 22 को जब सिंगल में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 कुआं नंबर नहीं हुआ। अब कुआं नंबर निकालने का एक फार्मूला है, सबसे पहले देखते हैं कि एक फार्मूला है मेल के लिए। अगर आप मेल पर्सन हैं, पुरुष हैं, तो उसके लिए जो आपका 4 नंबर इस व्यक्ति के इस डेट ऑफ बर्थ में आता है, 4 नंबर आया। अब 4 में क्या होता है, 11 माइनस किया जाता है। एक पूरा फिक्स रूल है, अगर जो भी आपका आप अपना निकाले हैं जो सिंगल डिजिट में आया है, पहले सिंगल डिजिट निकाल लीजिए अपने ईयर के जोड़ने के बाद, उसमें क्या करना है, 11 को माइनस करना है। सपोर्ट इस कंडीशन 4 नंबर आया तो 4 में 11 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 11 - 4 = 7। अब ये 7 नंबर आपका एंजल नंबर है, कुआ नंबर हो गया। ये हो गया मेल के लिए। बट बात करते हैं अगर कोई फीमेल है और फीमेल का भी अगर सेम ईयर है 1984 में अगर जन्म है तो उनका एंजल नंबर क्या होगा। अब उनके कंडीशन में सेम टोटल आया 4। अब इसमें कहता है 4 प्लस किया जाता है, फीमेल के लिए 4 ऐड किया जाता है तो 4 + 4 = कितना आ गया, 8। अब 8 हो गया फीमेल का, जो स्त्री है उनका कुआं नंबर। अभी कुआं नंबर करता क्या हमारे जीवन में, आखिर आपको भी लग रहा है सर कुआं नंबर के काम थे। कुआं नंबर एक ऐसी नंबर है ना कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान के चलो कि आपका 7 मिसिंग है, आप मेल व्यक्ति हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है, और अगर आपका एंजल नंबर 7 आ गया है, कुआं नंबर 7 आ गया, तो ये उस मिसिंग नंबर का यहाँ पे इफेक्ट आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने लगे। जैसे होता है ना मूलांक और भाग्यांक, ये भी अपना प्रभाव देते हैं, बट मूलांक भाग्यांक जैसा तो नहीं है, बट इसका भी लाइफ में 25-30% इफेक्ट पड़ता है एंजल नंबर का। और अगर मिसिंग नंबर आपका है और वही एंजल नंबर आ गया तो और भी बेहतर है। और इसका कमाल क्या होता है, एंजल यानी कि ईश्वरीय नंबर, यानी कि जो लाइफ में आपका जो नहीं हो रहा ना, जिस वजह से काम रुक रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका एंजल नंबर उस काम को करेगा, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग रहती है। और एंजल नंबर के काम है कि जीवन को आगे स्मूथली आगे खींच के लेके जाना, ऊपर लेके जाना, जीवन में सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, मनी को लाना, मतलब कि लाइफ में इनकरेज को बढ़ाना, लक को इन्हेंस करना इसका काम है। तो बहुत ही एक लकी नंबर माना जाता है। आप सिर्फ लिखना इसको स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कुआं नंबर को यूज कैसे करना और कैसे इसको अपने लाइफ में लाएंगे। मान के चलो 7 नंबर आ गए, अब 7 नंबर आ गए तो इसको यूज भी करना है।
अब यूज करने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक देखिए कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड की कलाई इस जगह पे आपको क्या करना है, नीचे में इस जगह पे पॉइंट पर आपको लिखना है। अब जैसे 7 नंबर आपको क्या करना है, ग्रीन कलर की पेंसिल लिखे और इसको सर्कल कर देना है, बोले राउंड करना है, पूरा सर्कल कर देंगे, इसको बोलते हैं हम एंजल नंबर। और जब भी इसको लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड की कलाई में मणिबंध रेखाएं के पास 7 नंबर लिखना है विथ ग्रीन पेन से और सर्कल करना है, और उसके लिखते के साथ सुबह हम जब उठते हैं तो आपको लिखना है, और आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ लिखना है, बोलते हैं कि आपका चीज़ें काम होना स्टार्ट हो चुका है, आपका सब कुछ अच्छा होना शुरू हो चुका है, चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में और अच्छे एक इंटेंशन के साथ एक अच्छे भाव के साथ लिखना। अगर आप ऐसा करते हैं सुबह में लिखें और रात को सोने जाएं तो भी आप लिखे से, तो सुबह से हम जरूर लिखें। अगर दिन में आप कोई काम करते हैं, साबुन वगैरह लगाते हैं, मिट गया कोई बात नहीं, फिर से आप लिख लें, आपके हाथ में होना चाहिए। जब भी उसे देखें तो एक अफर्मेशन, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बोल के लिखें, आपकी जो इच्छा है ना, यानी आप अपनी विश को बोले और फिर लिखे, फिर देखिए इसका कमाल काफ़ी कुछ होता है। उम्मीद करता हूँ आप एंजल नंबर निकालना और एंजल नंबर लिखना आपको बताने का प्रयास किया हूँ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।